है कि आप कोई भी पेन किलर नहीं खा सक रहे हो बिकॉज आपके हार्ट इश्यू और किडनी। तो आज हम बात करेंगे स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। आर यू सफरिंग विद द स्पॉन्डिलाइटिस, या फिर आपको कोई हार्ट के इश्यू है, या फिर आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम है, साथ में आपका बहुत बड़ा बैक पेन हो रहा है। मैं हूँ डॉक्टर कृष्णा पोतर, सीनियर पेन एंड स्पाइन फिजिशियन। नमस्कार। क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट बैक पेन लेके आते हैं, या मोस्टली जब भी आते हैं मेरे पास तो कहते हैं हमें स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है। पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है। एक्चुअली जब भी कभी बैक पेन हो, स्पाइन की कोई भी इश्यू हो, तो स्पाइन डिलाइटिस माने स्पाइन के जो प्रॉब्लम होते हैं वो एक बड़ा वर्ड है स्पॉन्डिलाइटिस। इट इज नॉट ए स्पेशल डिसीज, ये कोई डिसीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें सारी बीमारियां आती हैं। यदि आपकी डिस्क की स्पेस डिजेनरेटिव डिस्क डिसीज है तो भी आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। यदि आपको फैसेट आर्थ्रोपैथी है तो भी आपको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। स्पॉन्डिलाइटिस एक लेमैन या आप लोग के लिए एक वर्ड है, बट हमारे लिए एक स्पेसिफिक डिसीज हमें डायग्नोस करनी पड़ती है। तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उनका पूरा फिजिकली चेकअप करते हैं, चेकअप करके हमें जब कुछ डाउट होता है तो हम अगेन MRI के लिए उनको एडवाइस करते हैं। MRI इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ स्पाइन प्रॉब्लम। तो उसमें हमें जब स्पेसिफिकली कुछ पता चलता है तो उसमें हम फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते हैं। देर आर वेरियस इंटरवेंशन ट्रीटमेंट अवेलेबल। आप स्पाइन डिस्क है तो हम डिस्क में ओजोन इंटरवेंशन करते हैं, या और भी तरह के MIPSI करते हैं, उसमें एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी भी करते हैं, बहुत तरह के हैं। फैसेट आर्थ्रोपैथी है तो हम उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप एज काउंटर से मेडिसिन मत खाइए बिकॉज हार्ट इशू उससे बढ़ता है। किडनी में तो एकदम बिल्कुल ना है कोई भी पेन किलर खाना, क्योंकि उसमें क्रिएटिनिन और बढ़ता है, आपका किडनी डैमेज होता है। तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, साथ में आपका हार्ट प्रॉब्लम है और किडनी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे संपर्क करिए, हमसे सलाह लीजिए। हम ऑनलाइन भी देखते हैं, आप कॉन्टैक्ट करिए, नंबर आपके नीचे है। थैंक यू।